हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। आज हमने व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट शुरू करा क्योंकि आज अवनी का बर्थडे नहीं है, पर अवनी का बर्थडे आने वाले है कुछ दिनों में। तो मम्मी उसकी आज सफाई करी थी, हम मदद कर रहे थे, तो पूरा घर आज पूरा तहस नहस हो रखा। मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या। ये रही मम्मी, यहाँ पे झाड़ू लगा रही है। और दिखा, और ये देखो, हमने आज पूरी दीवार का वॉलपेपर उतार दिया। यहाँ पे पीछे से सीलन ना रखी थी तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली पूरा उतर गया था, तो इसलिए आज हमने सोचा कि पूरा उतार देते हैं। और देखो यहाँ पे भी सारा का कुछ यू फैला हुआ है। देखो आज कितना कूड़ा निकला, पूरा घर आज तो पूरा घर यू फैला हुआ है। मम्मी भी यहाँ पे झाड़ू लगा रही है। हाँ, अवनी और मैं तो नहा लिया, पापा भी नहा लिया और अवनी यहाँ पे। फोन गिर गया, पापा का फोन गिर गया। ये देखो गाइस, ये पिटरे के काम करती है। ये देखो अवनी क्या कर रही है। अवनी उठो, ये तो नहीं इतना डर दिखाएगी ना जमाने की। ये नहा लिया और ये पूरी गुदन, और ये पूरा ब्लैक ब्लैक क्यों हो रखा है? पढ़िए क्या, दीवार तो व्हाइट पेंट कराया था हमने, फिर ब्लैक ब्लैक है। देखो गाइस, ये ब्लैक ये सीलन का हो रहा है बेटा, सीलन आई थी ना, सीलन से ब्लैक कलर हो जाता है दीवार का। अगर किसी को अपने घर में ब्लैक पेंट कराना है तो वॉलपेपर लगा के पूरे पे सीलन ही सीलन ला दो, ब्लैक पेंट हो जाए, बहुत अच्छा लगता है। देखो बर्थडे पे हवन है तो सफाई तो होनी चाहिए। ये वो जो बाहर वाले जो सोफा है वो अंदर आएगा ना फिर? तो नहीं, तो सफाई कर तो दी सोफा सोफा हटा के सब, तो यहाँ पे भी रहोगे? हम वही करवाऊंगा। ये देखो ये दोनों यहाँ पे वीडियो दिखाऊं? नहीं सॉरी, मैं तेरा सारा पापा होगी। देखो ये भी सीडी लिखनी आती, तू कर ही नहीं पाएगी। मेरे सीडी सीडी है कॉफी आओ आओ बॉक्स है हैप्पी एनिवर्सरी ओ ये हैप्पी एनिवर्सरी, तो फिर भी नहीं कर पाएगी मेरा काम। गाइस अभी हम सब पी रहे हैं दूध, उसके बाद हम जाएंगे स्विमिंग। ये देखो ये सब दूध भी पी रहे हैं, पीना शुरू कर, इन्होंने पीना भी शुरू कर दिया, उसका तो ख़त्म ही होने वाला है। मेरा तो अभी रखा ही है, पी भी लिया उसने। देखा मैंने कहा था ना पी लिया, ये तो अभी पिए। इसका एक गिलास एक घूट दूध होता है इसका बिल्कुल, उसमें ये आधा घंटा निकाल देती है। तो अभी इसके बाद हम जाएंगे स्विमिंग। मम्मी तो जीतती है तुझसे, दो मिनट में पी के दिखा देगी वो। रानी जब भी सुबह सुबह से जब भी पी के चली गई। वेरी गुड, ले तू उसको बदनाम कर रही थी फालतू में, बदनाम कर दे तू उसको। सबने पी लिया और ये बैठी है अभी तक ले गई। मैंने पी तो शुरू किया, मैं बहुत चाय मैंने पी लिया। अन्नी का नाम बदनाम है, पीते
पीती अब है, देखते हैं गाइस ये कितनी देर में पीती है। ये इस दूध को दो दिन में पिएगी, ये देखियो आधा पी के फ्रिज में रख के जाएगी। देखते हैं कैसे। चल बेटा चल पियो पियो, फ्रिज में रख जाती है तू चुपचाप। क्या मम्मी रात को पीऊंगी, कल पीऊंगी। इसके ड्रामे शुरू हो गए दूध में। देख रहे हो गाइस कितनी देर हो गई इसे मिल्क लिए हुए, अभी तक नहीं पिया इसने। ये गाइस आपकी वजह से पी रही है जल्दी, वरना ये इतनी जल्दी पीती नहीं है। ये दूध को दो दिन में पीती है और चुपचाप ये देखती है कि मैं कैसे दूध को छुपा के और कहाँ जाऊँ। ये देख रहे हो पी लिया। अगर कैमरा ऑन नहीं होता ना तो ये सुबह भी पीती इस दूध को आधा बचा के। और अभी छोड़ेगी ये गुट तो जरूर छोड़ती है हमेशा। मैं छोड़ती हूँ बच्चा। देख रहे हो गाइस अभी भी दो मिनट से ऊपर हो गए हैं इसे। आप सब देखना इसका दूध आज कि छोड़ती है नहीं छोड़ती। आज ये छोड़ेगी नहीं क्योंकि कैमरा ऑन है। ये तो डेली की आदत है इसकी छोड़ने की। देख देख सांस ले लेके पी रही है, पिया नहीं जा रहा उससे। दिखा तो देख मैं सबको। ले देख ये कह रहे थे नहीं छोड़ती, ये देखो। अब ये पड़ी है अपनी सोनी रही है अभी। मैं भी खा रही मिठाई। अन्नी ने ना माँ जी की ना सारी मिठाई जो है ना वो खत्म। ये बेटा निकली हुई है। तो ये वाली तो वो निकली हुई है ना वहाँ पे दानी। ये वाली कोई अलग थोड़ी है बेटा। फिर ये ऊपर क्यों नहीं खाती, सेम है ये। अरे माँ जी के पास भी तो ये वाली मिठाई है बच्चा। अब नहीं नहीं नीचे की खत्म कर दे और ऊपर खाई नहीं। ऊपर क्यों नहीं खा रही इसके ना, नीचे एक कटोरी भर के रखा है। कर अवनी के बर्थडे पे मम्मी ने कुछ सरप्राइज गिफ्ट मंगाया है अवनी के लिए। सरप्राइज जो कि मेरे को मंगाया मम्मी ने। सरप्राइज मैंने देखा नहीं। तेने नहीं देखा। मेरे को भी नहीं पता। मैंने भी नहीं देखा। पापा को पता है? पता नहीं, पता भी है नहीं भी पता। ये ज्यादा पता भी नहीं भी पता। क्या है तो मैं भी इसके सामने बता दूं सरप्राइज भी। इसका क्या सरप्राइज रहेगा बेटा? मैं कार में बुला रही हूँ। मैं बता दूंगी तेरे को, तो दिखा भी दूंगी। दिखाओगे कैसे घर में हमारे? हाँ पता तेरे को भी है, एक बार मैंने तेरे को भी बताया था। नहीं मेरे घर में ही है कोई चीज। और थैंक यू बेटा ना। अच्छा वो जो गिफ्ट लाए वो दोगे? वो तो देंगे हम, है ना नी? और भी कुछ है बच्चे के लिए तो हमारे घर में है। सरप्राइज हमारे घर में है ना वो चीज। सरप्राइज मेरी मुन्नी के लिए, मेरा बच्चा, मेरा लाडू पाडू। दानी लेके आई है। मेरे गला क्यों तो आ रही है? दानी लेके आई है। दानी नहीं लेके आई, दानी ने उस दिन कहा मुझे दे दो, फिर मैंने कहा नहीं दानी ये है ना आप अवनी को देना बर्थडे पे। ऐसा कौन सी चीज है यार? मम्मी अपने जीप पे बैग बैग मम्मी ना उल्लू बना दिया। मैंने कुछ खाया है क्या? कल से है हमारा स्कूल, कल से तो फुल डे है, कुछ दिनों से हाफ डे हो रहा था एग्जाम की वजह से। और मैं ना बचपन में कैसी थी बचपन में मैं बताऊँ कैसी थी? देख ऐसी थी तू बचपन में, ऐसी शक्ल से नहीं शरारतों से। मेरे लाडू जैसी थी तू,
सेम वो तो उन्होंने मेरी बचपन की फोटो देख थे अच्छे बताओ ना क्या कोई कहानी मेरे बचपन की क्या कहानी बताऊं तू तो बहुत शरीफ थी बेटा मैं पैदा छोड़ी हुई थी तू बहुत शरीफ थी ये बहुत शैतान थी इसकी बता दो ये जब पैदा हुई देखी नहीं तुमने कितनी शैतान थी अब मेरे को याद नहीं है अच्छा ये इतनी शैतानी करती थी नहीं मेरे को याद नहीं छोटा बच्चा छोटा और अन्नी ना बताऊं क्या करती थी जब मैं कितने साल की थी जब ये छोटी थी मैं ना एक बार छत पे मैं नहा रही थी मम्मी ने अन्नी को भी भेज दिया नहाने के लिए ठीक है फिर अन्नी ने उल्टा बताऊं क्या करा पाइप पकड़ा और मेरे को ही नहलाने लग गई है ना नहलाया था ना इसमें से एक बार मेरे को कल तो अन्नी को भी स्कूल जाना है परसों अन्नी का बर्थडे मनेगा हाँ परसों वो भी छुट्टी कराएगी बारी नहीं हाँ तो गाइस वेडनेसडे को तो अपनी स्कूल में केक भी काटेगी इसको ट्यूसडे को काटेगी स्कूल हाँ, में जो भी है गाइस अन्नी के तो ना टू बार बर्थडे मनेंगे थ्री बार कैसे कैसे ट्यूसडे को इसका स्कूल में केक बर्थडे मनेगा केक और एक रात को 12 बजे मनाएंगे बर्थडे और अगले दिन वेडनेसडे को मॉर्निंग में बर्थडे मनाएंगे हमारे स्कूल में को फिर मनाएंगे बच्चों को जैसे बहुत से स्कूल में बर्थडे मनाएंगे लाडो पूरे दिन रुको ना जैसे बहुत से स्कूल होते हैं ना उनमें कि हम घर के कपड़े पहन के जा सकते हैं बर्थडे वाले दिन ऐसा होना चाहिए था फिर तो मैं बताना गाइस किस किस के स्कूल में ऐसा है हाँ मेरे में तो बिल्कुल नहीं है होता तो कितना सही रहता ना उस दिन के लिए कंफर्टेबल होके जाते बिल्कुल अन्नी के में प्रिय बच्ची है आप बताना कि किस किस के स्कूल में ऐसा है ये बहुत बोलते हैं गाइस इसकी मैम ने ना इसके लिए गिफ्ट भी ले रखा है अब मैम ने कहा कि मैं इसको गिफ्ट दूंगी इसके बर्थडे पे अन्नी को तो बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे गाइस अन्नी की सुन लो गिफ्ट पसंद नहीं आया तो मैम को वापस दियाऊंगी हाँ ये कह रही कि अगर मेरे को गिफ्ट जो है वो अच्छा नहीं लगा तो मैं ना गिफ्ट जो है ना वो मैम को वापस दे के आ जाऊंगी चलो गुड नाइट कर दो अन्नी चलो स्लीपिंग करो चलो मॉर्निंग स्कूल जाना है तो बस गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही अच्छा पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तब तक के लिए गुड नाइट